वेलकम वंस अगेन. टुडे वी विल डिस्कस फोर्थ चैप्टर इन हिस्ट्री एंड दिस इज द मुगल एम्पायर. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द मुगल एम्परर्स एंड देयर एम्पायर. रूलिंग एज अ लार्ज टेरिटरी एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद सच अ डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर वॉज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी रूलर टू अकम्प्लिस इन द मिडिल एज. मिडिल एज में किसी भी रूलर के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि इतनी बड़ी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, इतनी बड़ी टेरिटरी के ऊपर, जहाँ पर डिफरेंट डाइवर्सिटी के पीपल, डिफरेंट कल्चर को फॉलो करने वाले लोग, डिफरेंट डिफरेंट काइंड की लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हों, ऐसे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर रूल करना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था. इसके अलावा जो प्रीडेसेसर थे मुगलों के, उन्होंने एक काफ़ी बड़ा अपना एम्पायर यहाँ पे खड़ा किया, लेकिन उन्होंने जो रूल किया वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया. फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ 16th सेंचुरी दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली अंटिल द 17th सेंचुरी दे कंट्रोल्ड नियरली ऑल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. 16th सेंचुरी के हाफ तक उन्होंने अपने किंगडम को आगरा दिल्ली तक बढ़ा लिया था, एक्सपेंड कर लिया था, और बाद में 17th सेंचुरी में उन्होंने इस पूरे लगभग पूरे कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में कर लिया था. दे इम्पोज स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडिया ऑफ गवर्नेंस दैट आउटलास्टेड देयर रूल लिविंग अ पॉलिटिकल लेजेसी दैट सक्सेसिंग रूलर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर. जो मुगल एम्परर्स थे उन्होंने इम्पोज किया एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर को और गवर्नेंस के आइडियाज़ को अपनी जो यहाँ के कॉमन पीपल्स थे उनके ऊपर, और उनके ऊपर रूल किया. अपनी जो उनकी पॉलिटिकल लेगेसी थी उसको उन्होंने छोड़ दिया, और उन्होंने जो उनसे पहले उनके सक्सेसर जो रूलर्स थे वो इस कॉन्टिनेंट में रूल करते हुए जिनको फॉलो कर रहे थे उनको भी इन लोगों ने इग्नोर किया. आज के टाइम में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रामपार्ट ऑफ रेड फोर्ट इन दिल्ली द रेजिडेंस ऑफ मुगल एम्परर. एवरी ईयर ऑन 15th ऑगस्त दैट इज़ आर इंडिपेंडेंस डे our prime minister address all the nation from the rampart of red fort, and this red fort was the residence of mughal emperors. Now we will read who were mughals. The mughals were descendant of two great lineages of rulers. ye do different inke alag alag lineages ke inke descendants, ye descendant the टू डिफरेंट ग्रेट लाइनेजेस के. फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर डिस्केंडेंट ऑफ चंगेज़ खान हु वॉज द रूलर ऑफ मंगोल एंड सम पार्ट ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया. फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर द सक्सेसर ऑफ तिमूर हु वॉज द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की. हाउएवर द मुगल्स डिड नॉट लाइक द टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल. मुगलों को उन्हें कोई मंगोल बोले ये उन्हें पसंद नहीं था. दिस वॉज बिकॉज चंगेज़ खान मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैसक्रे ऑफ इन्यूमरेबल पीपल. वो लोग चंगेज़ खान से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे. इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द उज्बेक्स देयर मंगोल्स कॉम्पिटेटर और ये उन्हें उनके उज्बेक से भी जोड़ता था जो उनके मंगोल्स के कॉम्पिटेटर थे. ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वर प्राउड टू देयर तिमूर एंसेस्ट्री और दूसरी तरफ मुगलों को अपने तिमूर जो उनके पूर्वज थे उनके ऊपर भी प्राउड था. नॉट लीस्ट ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैज़ कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398. उन्हें इस बात पे प्राउड था कि उनके जो एंसेस्टर थे तिमूर एंसेस्ट्री से उन्होंने 1398 में दिल्ली को कैप्चर किया था, दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया था. दे सेलिब्रेटेड देयर जेनियोलॉजी पिक्टोरिकली ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तिमूर एंड हिमसेल्फ. जितने भी मुगल एम्परर हुए वो हर कोई अपनी एक ऐसी पेंटिंग ड्रॉ कराता था जिसमें वो तिमूर के साथ बैठा हुआ अपने आप को दिखाता था, विच इज़ सम वॉट लाइक अ ग्रुप फोटोग्राफ. और जो फिगर नंबर 2 जो शो की गई है हमारी बुक में, जो फिगर है इसमें दिख रहा है कि जो तिमूर को बीच में बिठाया गया है और चारों तरफ जो मुगल एम्परर हैं या जो इस एंसेस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो बैठे हुए हैं. ये लोग अपने आप को प्राउड फील करते थे तिमूर से जोड़कर. नाउ वी विल रीड अबाउट द मुगल मिलिट्री कंपेन्स. बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर. ही रूल 1526-1530 एंड सक्सीड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1949 व्हेन ही वॉज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड. जब उसे फरगना का सिंहासन पर बिठाया गया 1494 में, दैट टाइम बाबर वॉज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड. ही वॉज फोर्स टू लीव हिज एनकेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप द उज्बेक्स. उज्बेक्स ने उसको
जब मंगोल ग्रुप के ऊपर उज्बेक्स ने अपना अधिकार कर लिया तो उन्होंने बाबर को उसके सिंहासन से हटा दिया। आफ्टर ईयर ऑफ वेंडरिंग ही साइज काबुल इन 1504 1504 में उसने काबुल पर ऐसे ही घूमते हुए उसने बाद में काबुल पर अपना अधिकार कर लिया और 1526 में उसने दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया और दिल्ली और आगरा पर अपना दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लिया। देर इज़ अ टेबल ऑन नेक्स्ट पेज विच शोज अस द मेजर कंपेन ऑफ मुगल्स। इफ़ वी स्टडी दीज टेबल्स केयरफुली वी सी हाउ लॉन्ग टर्म्स पैटर्न एंड वी विल नोटिस फॉर एग्जाम्पल दैट द अफगान्स वर एन इमीडिएट थ्रेट टू मंगोल अथॉरिटी। जो अफगान्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा डरते थे वो मंगोल अथॉरिटी से, नॉट टू द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल्स एंड अहोम्स। चैप्टर 7 में हम पढ़ेंगे मुगल्स और अहोम्स के बीच में क्या रिलेशंस थे, सिख और मुगल्स के बीच में क्या किस तरह के रिलेशन थे वो हम चैप्टर 8 और 10 में रीड आउट करेंगे। मेवार और मारवाड़ के जो रूलर्स थे उनके बीच में मुगल्स और उनके बीच में किस तरह के रिलेशन थे दैट वी विल इन चैप्टर 9। हाउ वॉज मायूर रिलेशनशिप विद साफा विद ईरान डिफरेंट फ्रॉम अकबर्स। डिड द अनेक्सेशन ऑफ गोलकुंडा एंड बीजापुर इन औरंगजेब्स रीन एंड हॉस्टिलिटीज़ इन द डिकेन। कैसे दक्षिण भारत तक उसने औरंगजेब ने अपने साम्राज्य को फैला लिया था। नाउ वी विल रीड टेबल फर्स्ट मुगल एम्परर्स। इन दिस टेबल वी विल रीड अबाउट द मेजर कंपेन एंड इवेंट्स विच वॉज मेड बाई मुगल एम्परर्स। फर्स्ट वी विल रीड अबाउट बाबर। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। इन 1526 ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन पानीपत वॉर एंड अफगान सपोर्ट्स टू बाबर। 1527 में ही डिफीटेड राणा सांगा, ही वॉज अ राजपूत रूलर। इन 1528 बाबर डिफीटेड राजपूत एट चंदेरी एंड एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ। हुमायूं वॉज द सन ऑफ बाबर। हुमायूं डिवाइडेड हिज inheritance according to will of his father. His brother were each given a provincy. उसके हर भाई को एक प्रोविंसी दी गई। The ambition of his brother मिर्जा कामरान weakened Humayun cause against Afghan competitor. शेर खान defeated Humayun in चौसा 1539 and कन्नौज 1540। चौसा के युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को हरा दिया था। ईरान हुमायूं received help of साफाविद शाह एंड रीकैप्चर दिल्ली इन 1555। दोबारा से 1555 में उसने फिर से दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया और उसके नेक्स्ट ईयर ही एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। हुमायूं वॉज इन हिज लाइब्रेरी ही फॉल डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स एंड गॉट डेड। नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ मुगल ancestry was Akbar. Akbar was 13 years old when he became the emperor. His reign can be divided into three period. First 1556 to 1570 Akbar became independent of the regent Bairam Khan and other member of the domestic staff. Military campaign were launched against the Suris and other Afghan against the neighboring kingdom of Malwa and Golconda and the support the revolt of his half brother Mirza Hakim and the Uzbeks. उसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया उसके एक सोतेला भाई था उसका मिर्जा हाकिम, उसने जो उज्बेक्स में था। और 1568 में सिसोदिया कैपिटल चित्तौर की कैपिटल थी सिसोदिया, वहाँ पे राज करते थे उन्होंने। 1569 में अकबर ने रणथंबोर और चित्तौर पर भी अपना अधिकार कर लिया। 1570 से लेकर 1585 तक मिलिट्री कंपेन चलाई अकबर ने गुजरात में और वहाँ पे उसके बाद उसने बिहार बंगाल उड़ीसा इन राज्यों पर भी अपना अधिकार कर लिया। 1579 से लेकर 1580 तक उसने मिर्जा हाकिम ने जो उसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया था उसको सपोर्ट किया। 1585 से लेकर 1605 तक अकबर ने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया और उसने बहुत सारी नॉर्थ वेस्ट में भी कंपेन्स लॉन्च की। कांधार पर उसने अपना अधिकार कर लिया, कश्मीर तक अपना साम्राज्य फैला लिया, काबुल पर उसने अधिकार कर लिया। मिर्जा हाकिम की डेथ के बाद काबुल भी उसके कब्जे में आ गया। नेक्स्ट मुगल रूलर वॉज जहांगीर। जहांगीर रूल 1605 टू 1627। मिलिट्री कंपेन स्टार्टेड बाय अकबर, तो जो भी मिलिट्री कंपेन अकबर ने स्टार्ट की थी उन्हें जहांगीर ने भी कंटिन्यू रखा। सिसोदिया जो रूलर्स थे मेवार के अमर सिंह, उन्होंने मुगल सर्विस को एक्सेप्ट किया। लेस सक्सेसफुल कंपेन अगेंस्ट द सिक्स अहोम्स एंड अहमदनगर फॉलोड। नेक्स्ट सक्सेसर वॉज शाहजहाँ।
ही रूल 1627 टू 1658। मुगल कंपेन कंटिन्यू इन डेक्कन अंडर शाहजहाँ। शाहजहाँ ने भी दक्षिण भारत में अपनी इन कंपेन्स को कंटिन्यू रखा। अफगान नोबल खान जहान लोदी रिबेल्ड एंड वॉज डिफीटेड। कंपेन्स वर लॉन्च अगेंस्ट अहमदनगर, बुंदेल्स वर डिफीटेड एंड ओरछा। ओरछा एक जगह का नाम है, इसको भी शाहजहाँ ने अपने कब्जे में कर लिया। शाहजहाँ के टाइम में सबसे ज़्यादा शाहजहाँ को आर्किटेक्चर में बहुत इंटरेस्ट था और उसके टाइम पे बहुत सारी बिल्डिंग्स भी बनाई गई। हिज टाइम वाज द गोल्डन पीरियड फॉर द आर्किटेक्चर। नेक्स्ट सक्सेसर वाज औरंगजेब। ही रूल 1658 टू 1707 इन द नॉर्थ ईस्ट। होम वाज डिफीटेड। औरंगजेब वाज द लास्ट मुगल पावरफुल मुगल एम्परर और उसने दक्षिण भारत में बहुत सारी कंपेन चलाई। उसने शिवाजी को हराया, उनको कैप्चर कर लिया। बाद में आगरा फोर्ट में उनको आगरा फोर्ट से वो अपने आप को एस्केप करके निकल गए और उन्होंने अपने आप को बाद में एक इंडिपेंडेंट किंग अपने आप को बना लिया। आफ्टर अकबर्स रिबेलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सुल्तान्स। बीजापुर वॉज एनेक्सेड इन 1685 एंड गोलकुंडा इन 1687। फ्रॉम 1698 औरंगजेब पर्सनली मैनेज कंपेन इन द डेक्कन अगेंस्ट एंड मराठास हु स्टार्टेड गोरिल्ला वॉरफेयर। मराठा गोरिल्ला वॉरफेयर से युद्ध करते थे, यानी कि छिपकर युद्ध करते थे। औरंगजेब ऑल्सो हैड टू फेस द रिबेलियन इन नॉर्थ इंडिया ऑफ द सिख्स, जाट्स एंड सतनामीज इन द नॉर्थ ईस्ट बाई द अहोम्स एंड डेक्कन ऑफ मराठास। His death was followed by a succession conflict amongst his son. उसके बाद कोई भी पावरफुल किंग नहीं रहा था जो इतने बड़े मुगल एम्परर को अच्छे से रूल कर सके। Now we will read about the Mughal tradition of succession. किस तरह मुगल्स राजा बनते थे, किस तरह ये इनमें जो भी आगे इनकी जो एम्परर्स एम्पायर्स था उसको कौन आगे लेके जाता था। जो मुगल did not believe in the rule of primogeniture, where the oldest son inherited his father's estate. मुगल जो थे वो ये बिलीव नहीं करते थे कि सिर्फ बड़ा बेटा ही राजा बन सकता है। वो लोग ये देखते थे कि सबसे काबिल कौन है। इसके अलावा मुगल फॉलो करते थे तिमुरिड कस्टम्स को, कॉन्स्पिरेंसी करते थे एक दूसरे के अलावा। चाहे इनमें डिवीज़न हो रखा हो इनकी विरासत का, इनकी इनहेरिटेंस का, सारे सन के बीच में डिवीज़न के बाद भी एक दूसरे के खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी करते थे और इन कॉन्स्पिरेंसी में जो भी सक्सेसफुल होता था वो जाके राजा बन जाता था। जो हमने टेबल में पढ़ा कि बहुत सारे रिबेलियंस हुए, मुगल प्रिंस एक दूसरे के खिलाफ अपने भाइयों के खिलाफ रिबेल्स करते थे। कितना भी इनमें फेरियर डिवीज़न हुआ हो इनहेरिटेंस का, फिर भी एक दूसरे के लिए ये कॉन्स्पिरेंसी करते थे। नाउ मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स। अब मुगल जो रूलर्स थे उनके दूसरे रूलर्स के साथ किस तरह के रिलेशन थे। यू विल नोटिस दैट द मुगल रूलर्स कंपेन्ड कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। जो भी रूलर मुगल्स की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना से रिफ्यूज़ कर देता था ये उसके खिलाफ कंपेन चला देते थे। बट एज द मुगल बिकम पावरफुल मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो ज्वाइन दैम वॉलंटरली। और जैसे जैसे मुगल्स पावरफुल होते चले गए बहुत सारे रूलर्स ने इनको ज्वाइन कर लिया। राजपूत से इनके राजपूत एक अच्छा एग्जांपल है इस चीज़ का। राजपूतों से मुगल्स के बहुत अच्छे रिलेशंस हो गए थे। बाद में बहुत सारे राजपूत किंग्स ने अपनी डॉटर्स की जो मैरिज थी वो मुगल फैमिलीज में की थी और मुग़लों ने उन्हें हाई पोजिशन गिव की थी अपने एम्पायर के अंदर। बट मैनी रेसिस्टेड एज वेल। लेकिन कुछ लोगों के साथ उनका संघर्ष ऐसे ही बना रहा। जब सिसोदिया राजपूत ऑफ मारवार रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक लंबे समय तक जो मेवार के जो राजपूत थे, सिसोदिया राजपूत थे, उन्होंने मुगलों की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया। वंस डिफीटेड हाउएवर दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स। एक बार हार जाने के बाद उन्हें सम्मान के साथ मुगलों ने ट्रीट किया और उनकी जो लैंड थी जिसे वतन बोलते थे वो उनको एज ए असाइनमेंट वापस कर दी। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर ओपोनेंट अनेबल्स द मुगल टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मैनी किंग्स एंड चीफटेंस। ये जो बैलेंस था, एक केयरफुल बैलेंस था मुगलों का कि हराने के बाद भी वो किसी को ह्यूमिलेट नहीं किया उन्होंने, तो मुगलों ने अपने इस इन्फ्लुएंस से बहुत सारे राजा और चीफटेंस को अपनी तरफ कर लिया था। बट इट वॉज़ डिफ़िकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल टाइम। लेकिन इस बैलेंस को हमेशा बरकरार रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। नाउ वी विल रीड अबाउट द मनसबदार एंड जागीरदार्स। एज द एम्पायर एक्सपेंडेड टू एंड कंपास डिफरेंट रीजन्स द मुगल रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्ली ऑफ टर्किश नोबल्स दे एक्सपेंड टू इंक्लूड ईरानीज।
जैसे जैसे मुगलों का एम्पायर एक्सपेंड होता गया, बढ़ता गया, तो मुगलों को अलग अलग पदों के लिए बहुत सारे लोगों की रिक्रूट करने की नीड हुई, और इनमें उन्होंने छोटे छोटे जो तुर्किश नोबल्स थे उनसे लेकर ईरानियों को भी इसमें इंक्लूड किया। इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत, मराठा और भी बहुत सारे ग्रुप थे जो मुगलों के लिए वर्क करते थे। दोज हु जॉइन मुगल सर्विस वर एनरोल्ड एज मनसबदार, और जिन्होंने मुगलों की सर्विस को ज्वाइन किया उन्हें मनसबदार कहा जाने लगा। द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स ए मनसब। मनसबदार का मतलब होता है एक इंसान जिसका अपनी मनसब पर अधिकार होता है, मीनिंग एक तरह की मनसब एक पोजिशन या फिर रैंक होती है। इट वॉज ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाई मुगल्स टू फिक्स। मुगलों ने कुछ ग्रेडिंग सिस्टम के थ्रू कुछ चीज़ों को फिक्स किया। पहला रैंक कि किस इंसान को कौन सी पोजीशन मिली। दूसरा सैलरी। तीसरा मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी है उस इंसान की। रैंक और सैलरी ये दोनों डिटरमाइंड की जाती थी न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू होती है कि कितनी किसी को लैंड मिली है, उस लैंड के अकॉर्डिंग उस इंसान की रैंक और सैलरी को डिटरमाइंड किया जाता था। द हायर द जाट द मोर प्रेस्टिजियस वॉज द नोबल्स पोजिशन इन कोर्ट एंड द लार्जर हिज सैलरी। जिसके पास जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी, जितनी ज़्यादा जिसके पास लैंड होती थी, वो ज़्यादा इंसान मोर प्रेस्टिजियस होता था, ज़्यादा सम्मान मिलता था उसे, उसे कोर्ट में भी अलग ही पोजिशन मिलती थी और उसकी लार्ज सैलरी होती थी। द मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और क्लेवरी मैन। जो मनसबदार थे उनकी जो मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उसमें उन्हें अपनी सेना को मेंटेन करके रखना होता था, चाहे उसमें बहुत सारे सवार हो या फिर क्लेवरी मैन हो, जो पैदल चलते हैं लोग सेना में लड़ने के लिए। द मनसबदार ब्रॉट हिज क्लेवरी मैन फॉर रिव्यू, गॉट देम रजिस्टर्ड, देयर हॉर्स ब्रांडेड एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरी। जो मनसबदार होते थे वो इन क्लेवरी मैन को लेके आते थे, इनके नामों को रजिस्टर करते थे, इनके हॉर्स को ब्रांड किया जाता था, यानी कि उन पर ठप्पा लगाया जाता था कि ये राजा की सेना के घोड़े हैं, और बाद में उन्हें पे करने के लिए सैलरी रिसीव करते थे, ये लोग मनी रिसीव करते थे सैलरी पे करने के लिए। मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर्स। मनसबदार अपनी सैलरी रेवेन्यू असाइनमेंट के रूप में गेट करते थे, रिसीव करते थे, जिसे जागीर कहा जाता था। विच वर सम वॉट लाइक इक्ताज, और कहीं कहीं पर इन्हें इक्ता भी बोला जाता था। बट अनलाइक मुक्तीज, मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर्स। दे ओनली हैड राइट टू रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट विच वॉज कलेक्टेड फॉर देम बाई देयर सर्वेंट। सबको ही राजा की तरफ से पेमेंट नहीं मिलता था, कुछ लोग रेवेन्यू असाइनमेंट करते थे, और इस रेवेन्यू को कलेक्ट करना वे अपने सर्वेंट्स के द्वारा इस रेवेन्यू को कलेक्ट कराते थे। व्हाइल द मनसबदार देमसेल्व्स सर्व्ड इन सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, और कंट्री के कुछ हिस्सों में भी मनसबदार अपने आप को ऐसे ही सर्व करते थे। इन अकबर्स रीन दीज जागीर्स वर केयरफुल्ली असेसिड सो दैट देयर रेवेन्यू वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार। अकबर के शासनकाल में जो ये जागीर्स थी केयरफुल्ली इन्हें बांटा गया था, और इनसे जो रेवेन्यू मिलता था वो मनसबदार को मिलने वाली सैलरी के इक्वल, लगभग इक्वल ही होता था। बाई औरंगजेब रेंजेस, औरंगजेब के साम्राज्य में दिस वॉज नो लॉन्गर केस, ये लंबे समय तक ये चीज़ नहीं चल पाई। एंड द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वॉज ऑफन लेस दैन द ग्रांटेड सम, जो ग्रांटेड सम होता था उसके कंपेरिजन में जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो कम होता था। देयर वॉज ऑल्सो ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार, काफ़ी मात्रा में मनसबदार्स की जो संख्या थी वो बढ़ गई थी, इंक्रीज हो गई थी। विच मीन्ट अ लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड ए जागीर्स, इसका मतलब था कि उन्हें एक जागीर से को रिसीव करने में काफ़ी टाइम लगता था। दीज एंड अदर फैक्टर क्रिएटेड अ शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर्स, इस तरह से ज़्यादा मनसबदार होने से जागीर्स की संख्या में कमी होती चली गई, और इसी का रिजल्ट था कि बहुत सारे जागीरदार्स ने अब इन रेवेन्यू को कलेक्ट करके अपने पास रखना, जागीर के रूप में अपने पास रखना शुरू कर दिया, और औरंगजेब का इनके ऊपर से कंट्रोल ख़त्म होने लगा। आखिर के सालों में जो लास्ट ईयर थे उसके साम्राज्य के जो पेसेंट्री थी वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी, लगातार जो किसान थे उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। आर नेक्स्ट पॉइंट इज़ जब्त एंड जमींदार, वी विल डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।